हाथरस जिले के हसायन कस्बा में सब्जी विक्रेताओं को उनकी दुकान से पुलिस द्वारा ले जाकर लॉकडाउन के उल्लंघन के मुचलका के एवज में 1,000 रूपए प्रति व्यक्ति अवैध उगाही की गयी। एक सब्जी विक्रेता से पैसे न होने पर मारपीट के बाद जबरिया पैसे लिए गए। इसके विरोध में सब्जी विक्रेताओं द्वारा आज दुकानें बंद करने का ऐलान किया गया। वहीं अपने साथ हुई इस घटना की शिकायत जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान के साथ उप जिलाधिकारी से भी की गई है। सुरेश चंद्र सविता की रिपोर्ट। ये तुम्हारा सब्जी विक्रेता का काम करते हो? सब्जी का काम करते हैं। क्या मामला हुआ था कल? कल ऐसा हुआ था कि मेरा बच्चा बीमार था, मैंने बोला दवाई लेने जा रहा हूँ, तब भी इतनी कहने पे मुझको मारा और थाने ले गए, 1,000 रुपए लिए और मेरे मुझे माल लगाई थी और पैसे मेरे पास रहे थे, उधार लिए थे किसी से तब दिए थे। तुम अपनी दुकान पे पुलिस वालों के कहने के अनुसार बैठे थे या ज्यादा लगा रखा था सामान? नहीं, आप कह गए एक दिन पहले कह गए से उसी तरीके से लगाए हुए बैठे थे। ऐसे लगाए थे। आपके सब्जी विक्रेताओं द्वारा क्या उत्पीड़न किया गया था? उनको 11:30 बजे दुकान से उठाया गया था और जबकि 10 बजे का अलाव हुआ उनकी दुकान और लॉकडाउन का पालन कर रहे थे आपके दुकानदार? हाँ, दुकानदार का उसका पालन कर रहे थे लॉकडाउन का। पुलिस ने जैसा बताया था उस तरीके से कर रहे थे? 10 बजे से पहले बाद में दुकान खोली है और 10 बजे के बाद में खुलने के बाद 11:30 बजे इनको दुकान से उठाया गया और 11:30 बजे उठाने के बाद इनको थाने ले जाया गया, उनसे मुचलका भरवाया गया और 1,000 रुपया उनसे लिया गया। वो इन्होंने नाजायज पैसा लिया है, इनके उचित कार्रवाई की जाए और हमारी दुकानदारी का मुकदमा वापस किया जाए और इनको बरी किया जाए, उनके खिलाफ जो भी पुलिस वालों ने पैसे लिए उनको खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। पैसे वापस किए जाएंगे? नहीं, पैसे वापस किए जाए इनके। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।